श्रीमती रामायण जो है वहां गीता जाए जाए प्रमाण करे वहां ज्ञाने मन अवबोधने ये धातु से मत का आविर्भाव हुआ है। मत मैंने संप्रदाय समय आचार इसका मूल धातु मन ज्ञाने मन अवबोधने तत्व हित पुरुषार्थ से तीन स्थानों का अवगमन जिस संप्रदाय से जिसका अनुष्ठान और ज्ञान से हो रहा है पद्धति को हम मत नहीं तो संप्रदाय बोलते हैं। वास्तविक वस्तु को तत्व बोलते हैं वो तत्व प्राप्ति के लिए जो उपाय है उसको हित बोलते हैं और वो तत्व प्राप्ति से जो फल मिल जाता है उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। तत्व में बहुत प्रकार का तत्व विकास बहुत संप्रदाय में दे दिए हमारा विशिष्टाद्वैत रामानुज संप्रदाय में चित अचित और ईश्वर ऐसा तत्व त्रय का आविर्भाव है। ऐसा अद्वैत संप्रदाय में केवल निर्विशेष मात्र है अविद्या आवरण से ये जीवात्मा का व्यामोह में वो पड़ता है। फिर अयम आत्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्मा तत्वमसि ऐसा चतुर वाक्य है महावाक्य चार उपनिषद से जो उद्धार है उद्धृत है उसका महावाद्य जनित ज्ञान से विमुक्ति इसका पुरुषार्थ। इस विभिन्न संप्रदाय में तत्व तत्व पदार्थों का गणन और वो पदार्थ प्राप्ति के लिए कौन सा साधन का अनुष्ठान करना ऐसा वो विभाग और वो फल प्राप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष ऐसा सबका विभाग बहुत संप्रदाय में विभिन्न प्रकार में दे दिए। और संप्रदाय साधन में वेदोखिल धर्म मूलम अखिल धर्म का मूल है नखिलम विद्यते स्यात् तद अखिलम अखिल मैंने एक भारत वर्ष का नहीं तो एक भारत देश का नहीं है अखिल मैंने ये पूरा ये संसार लोक है ये प्रपंच विश्वव्याप्त प्रपंच और बहुत बड़ा ये प्रपंच में बहुत बड़ा नक्षत्र गण का आयोजन है गैलेक्सी बोलते हैं ना ऐसा नक्षत्र गण है उसके अंदर बहुत सूर्य का कुटुंब होगा सोलर फैमिली सिस्टम ऐसा ये भूमि है जिस भूमि पर हम बैठे हुए हैं ऐसा बहुत निवास योग्य स्थल विश्व में व्याप्त है वो सब में जो जो वस्तु है वो सबका मूल तो धर्म ही है। ऐसा आप जानते हैं गिरिजन लोग है गिरिजन लोग हम किसी से पूछे गांव में जाके पूछे थे कौन है हमारा ये भारत राष्ट्र का अभी प्रधानमंत्री है वो दूसरे एक प्रशस्त नट का नाम बोला क्योंकि वो गिरिवासी को उतना ज्ञान नहीं है जो आसपास में जो कुछ गांव हो रहा है जिसमें चलनचित्र का प्रभाव है वहां कुछ देख के जिस आदमी को उनको मालूम है जानकारी है उसको वो प्रधानमंत्री मानते हैं उसको वो बोल दिए। गिरिजन नहीं जानते ऐसा पशु पक्षी लोग जानते हैं क्या प्रपंच का निर्वाह करता कौन है और परिपालनशील कौन है वो अव्यक्त के विषय में छोड़ दीजिए व्यक्त रूप में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल इसके बारे में उसको जानकारी है क्या सर। जो गिरिजन है वो शरीर में मनुष्यत्व होने के बाद भी ज्ञान विकास जिसको नहीं है उसका वो परिपालन व्यक्ति जो परिपालक है जो निर्धारक है जो विश्व का प्रतिष्ठाता उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। ऐसा जो व्यक्त भाव में जैसा गिरिजनों का असमर्थ जनों का बुढ़ात्मा का ज्ञान नहीं होता है अध्यात्म दृष्टि में जो मूर्ख है वैसा जो ज्ञान चक्षुहीन है उसको भी ये परमात्मा जो जगत का निर्वाहकर्ता का नाम नहीं तो उनका स्वरूप स्वभाव गुण विभूति वैभव वर्णन का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए परमात्मा का ज्ञान के लिए ज्ञान विकास होना चाहिए। जैसे सामान्य पशु पक्षी आदि जानवरों कृमि कीट आदि गणों से ये जगत का विश्व प्रतिष्ठाता जो
जो परिपालन कर रहा है प्रत्यक्ष रूप में उनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे भी कृमि कीटादि तुल्य जो जीवात्मा है, जो माया में निबद्ध है, वो नित्य संसारी है, जो मुमुक्षु है, वो जैसे आदमियों का ये जगत निर्वाह करता, जो अंतर्यामी है, जो प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं गोचर है, वो आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल उनको होगा। इसलिए एक साधन होना चाहिए। इसलिए वो ऋग्वेद का प्रभाव पर आधारित हमारे भाषण में हम बोले कि जैसा सूक्ष्म धातुओं का दर्शन के लिए सूक्ष्म कृमि कीट आदि दर्शनों के लिए और दूरस्थ नक्षत्र मंडलों का दर्शन के लिए दूरदर्शनी, ऐसा आघात समुद्र पतित जो मछली गण है और धात गण है उनका आविर्भाव में उनका स्थान का आवागमन पर एक आघात दर्शनी का यंत्र साधन का मुख्यता हो सकता है। ऐसा भी परमात्मा साक्षात्कार में एक साधन होना चाहिए, वो साधन तो वेद है। उस साधन से ही तीन प्रकार का प्रमाण है, पौरुषेय अपौरुषेय परम पौरुषेय। पौरुषेय मैंने पुरुषकृतम पौरुषेयम्, परम पुरुषेण स्वयं पद्मनाभ मुख विनिस्तम इत्युक्तम किल, परम पुरुष से जो प्रकटन हुआ है, परम पुरुष का मुखारविंद से जिसका आविर्भाव है उसको परम पौरुषेय बोल सकते हैं, और जिसका आविर्भाव नहीं है, जो नित्य वस्तु है, उसको अपौरुषेय बोल सकते हैं। जो उनका तप से, साक्षात्कार से, कल्पना से, दृष्टि से, ज्ञान विकास से, बहुत प्रकार की का अभ्यास और बहुत प्रकारों की प्रवृत्ति से इसको जानकारी होगी, वो सब तो पौरुषेय का प्रमाण है। इसलिए अपौरुषेय तो को स्तुति है। ऋग्यजुसाम अथर्व संहिता ब्राह्मण आरण्य उपनिषद आदि श्रुति भाग ये सब तो अपौरुषेय है। ये अपौरुषेय वेद में बहुत कठिनाई है। भाषा तो वैदिक संस्कृत भाषा तो बहुत मुश्किल है। ऐसा सामान्य रामा रामो रामा हा ऐसे ये सामान्य व्युत्पत्ति ज्ञान से वेद का अर्थ निर्णय तत्व निर्णय नहीं कर सकते। अनंत वै वेदा आनंतर्यम वेद पठन का अनंतर में इसका पश्चात बहुत अंग उपांग का अध्ययन होना चाहिए। वेद पढ़ने में भी मुश्किल है क्योंकि भाषा में काव्य और वेद में एक जगह में एक प्रश्न होगा और दूसरा जगह में उत्तर होगा, अनुवाद और पुरोवाद, और मीमांसा में जो न्याय है वो न्याय के अनुसार वेदार्थ का निर्णय करना चाहिए। इंद्र प्राणाधिकरण न्याय, आरंभनाधिकरण न्याय, शास्त्र योनित्वाधिकरण न्याय, प्रयोजनवत्वाधिकरण न्याय, वैषम्य नैर्गुण्याधिकरण न्याय, परायत्ताधिकरण न्याय, सब बहुत न्यायों से वो ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए वेद ज्ञान समुद्र का जल तुल्य है, जो लवण मिश्रित है वो पीने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए वेद तो सब लोग हम मानते हैं, बहुत नित्य आराधन में अध्ययन में हम वेद माता को बैठाते हैं, उसको आराधन भी करते हैं, लेकिन जो पौरुषेय परम पुरुष है प्रकाशित प्रमाण से तुलनात्मक दृष्टि में हम जब देखते हैं वो वेद प्रमाण में है, वो वेद की दृष्टि में नहीं है। हमारा वेद का वेद शक्ति का स्वीकरण सिद्धि तो हमारे पास नहीं है, जिसलिए हम वेद की फल प्राप्ति में कुछ धीरे धीरे ही चल सकते हैं, 5-7 जन्मों के बाद, नहीं तो 10-15 जन्मों के बाद उसका ज्ञान हमको मिलेगा। इसलिए वेद में ये दोष है, वो दोष तो हमारा दोष ही है, जिससे वो तो अग्राह्य अर्थ है, बहुत भाव भरित है, असंख्या इतनी बड़ा वेद पढ़ के फिर इसका शिक्षा प्रातिशाख्य पितृसूत्र पितृवेद सूत्र मैंने पितरों के बारे में, धर्म सूत्र धर्मशास्त्र विचार में, गृह सूत्र शुल्ब सूत्र श्रौत सूत्र व्याकरण मीमांसा वेदांत में अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत भावाद्वैत तद्वाद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत्य भेदा भेद भास्कर अद्वैत यादव प्रकाश अद्वैत कितने विभाग, ये सब सांगोपान वेद का अध्ययन करने के बाद ही तत्व ज्ञान में एक लक्ष्य हमको मिलेगा। जो कृतयुग में थे संत लोग, जिसका उम्र और आयु आदि भी 1,000 साल 10,000 साल 1,00,000 साल ऐसा उनका जो आयु भाव है, दीर्घायु ऐसा शास्त्र में बोलते हैं, वो वास्तविक दीर्घायु तो ऋषियों का ही है, और फिर उनके जो तितिक्षा और तपस्या ये सब तो बहुत कठिन है, बहुत श्लाघ्य है, जिससे पूरा वेदों का आरोहण, वेदों का तत्व अर्थ निर्णय और तत्वार्थ का प्रकाश परंपरा, इसका उद्घाटन वो सब होने की है।
वो जो सर्वशक्त है, नहीं तो अतिशक्त है, सर्वशक्त परमात्मा का अनुग्रह पात्र भूत जो अतिशक्त है, वो महर्षि ने जो किए हैं वो अल्पशक्त अशक्त हम जैसे लोगों के बारे में, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि हम कर सकते हैं। इसलिए वेदों का रक्षण शब्द रक्षण मात्र कर सकते हैं और वेद से परमात्मा बहुत मुश्किल है। इसलिए वेद का अवतरण पौरुषेय प्रमाण में हुआ है। पौरुषेय मैंने आप्त आप्त तरह आप्त तम अनाप्त ऐसा चार विभाग है। जो आप्त नहीं है, कपिल महर्षि भी तपस किए, वो बोला प्रधान और पुरुष है। पुरुष मैंने जीवात्मा, प्रधान मैंने प्रकृति, और उनका तत्व निर्धारण में ये बोल रहे हैं कि ये प्रधान नाम में प्रकृति है और पुरुष नाम में जीवात्मा है, ये व्यतिरिक्त दूसरा कोई परमात्मा ऐसा तीसरा व्यक्ति नहीं है। जो प्रकृति है और पुरुष जीवात्मा वास्तविक तो तत्व वो दोनों ही है, और भक्ति परमात्मा का नाम में, परम ब्रह्म का नाम में, मूल तत्व का नाम में और कोई नहीं है। इसलिए कपिल ने साक्षात्कार किया। व्यास का ब्रह्मसूत्र में इसका विवेचन करने के समय में, ये तो स्मृति अधिग्रहण में आ रहा है, दो सूत्र से इसको जानकारी हमको मिलेगी। स्मृति अवकाश दोष प्रसंग यदि चेत न अन्य स्मृति अवकाश दोष प्रसंग। शिष्य लोग पूछ रहे हैं व्यास जी महर्षि, ये कपिल ने बहुत बड़ा धर्मशास्त्र स्मृति की है, इसको आप नहीं मानेंगे तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा। व्यास ने समाधान दिया, इसको हम नहीं मानेंगे तो, दूरी करेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा, इसको हम अंगीकार करेंगे तो हमारा सब स्मृति विनष्ट हो जाएगा। ये कपिल स्मृति का अंगीकार से हमारे पास जो वैवस्वत स्वयंभू है, अत्रिहारित विष्णु वृद्धहारित याज्ञवल्क्य उचन अंगिर यम आपस्तंभ भोतायन संपत्त शातातप विशिष्ट वशिष्ठ पुलस्त्य अत्रि खंड कुत्स, ये सब शंकर लिखित आदि जो जो महर्षि लोग है धर्मशास्त्र करता, तो शास्त्र में बताया ना मन्वत्रि विष्णु हारित याज्ञवल्क्य उचनांगिर यमापस्त संपत्त बृहस्पति पराशर व्यास शंकर लिखित दक्ष गौतम शातातप वशिष्ठ धर्मशास्त्र प्रवर्तक इति। एक स्मृति का अंगीकार से जो जो स्मृति है जिसको हम नित्यानुष्ठान आराधन में और परायण में रखें वो सबका विनाश होगा। और दूसरा सूत्र से व्यास जी ने समाधान दिए हैं, इतरेषां च अनुपलब्धेः, एक आदमी तपस्या में, तपस्या का अनुष्ठान में एक आदमी तो भरित जिसको सिद्धि संभूत है नहीं, ऐसा निरूपण के लिए एक निकष होना चाहिए। को क्या बोलते हैं, निरूपक निकष बोलते हैं। एक आदमी तो बोल रहे हैं 10-15 साल एक आदमी तो बाहर गए हैं, वो वापस आने के समय बोल रहे हैं हम स्वर्ग जाके आए थे, स्वर्ग जाके इंद्र का दर्शन करके अमृत पान करके आ रहे थे, ऐसे एक आदमी तो बोल सकते हैं ना। उनकी जो तपस्या, उनकी जो सिद्धि, इसका एक निरूपक निकष होना चाहिए। वो तो वेद मूल प्रमाण है, श्रुत्या सह विरोध हेतु बाध्यते विषयं विना, श्रुति स्मृति विरोध हेतु श्रुति रेव गरीयसी, ऐसा धर्मशास्त्र का प्रमाण से जो वेद तो निकष है। ऐसा सोना है ना, वो सोना को दो प्रकार की परीक्षा है, एक तो निकष परीक्षा दूसरा तो अमीर परीक्षा। ये निकष में इसका संबंध से जानकारी होगी, नहीं तो अमीर में डालेंगे तो सोना से व्यतिरिक्त दूसरा वस्तु इसमें मिलन हो जाएगा और स्वर्ण का प्रत्यक्ष में इसकी स्थिति होगी। इसलिए जैसा सोना के लिए निकष परीक्षा और अमिल परीक्षा है, ऐसा धर्मशास्त्र का परीक्षा संतों का वचन, संतों का वचन तो अमिल है ऐसी, और वेद तो निकष है, दोनों से जो परीक्षित वस्तु वो तो तत्वार्थ है। वो परीक्षण में जिसको उत्तीर्णता नहीं है वो सब तो न ग्रहीत अर्हति। श्रुति प्रमाणम स्मृत धर्मादित्त वचनम प्रमाण यस्य प्रमाणं न भवेत् पुर्य प्रमाणं कस्तस्य पुर्यात् वचनं प्रमाणं। तो ऐसा पौरुषेय प्रमाण में जो धर्मशास्त्र का प्रवर्तक लोग है उनसे विरोधित जो वचन है वो सब तो अनाप्त है। ऐसा कापालिक धर्म, पाशुपत धर्म, पाषंड धर्म, सांख्य का निरीश्वर शास्त्र, जैमिनी का पूर्व पक्ष, पूर्व मीमांसा शास्त्र में जो निरीश्वरवाद है सब तो आधुनिक कल्पित है। वेद का मूल तात्पर्य से जिससे विरोधित है इसका प्रमाणता कभी भी नहीं मिलेगी। फिर आप्त तम जिसमें ग्राह्य अंश कुछ है वो तो आप्त है, जिसमें प्राय ग्राह्य अंश
अंश है उसको आप ततर, जिसमें परिपूर्ण ग्राही अंश है वो तो आप ततर। अंश ग्रहणम, लेश ग्रहणम, पूर्ण ग्रहणम, जिसमें लवलेश का ग्रहण कर सकते हैं उसका आप तो बोलते हैं। ऐसा बहुत लोग साध्य दर्शन यानी संगीत रत्नाकर किया है, ऐसा पाकशास्त्र ने किया है, और कोई लोग अलग कला में जो पाकशास्त्र में, न्याय शास्त्र में, नृत्य शास्त्र में, संगीत में, ज्योतिष शास्त्र में, रत्न परीक्षा शास्त्र में बहुत किए हैं, उनका जो प्रामाण्य है वो शास्त्र से बद्ध है, और उस शास्त्र नैपुण्य से उनको परमात्मिक दर्शन के बारे में कुछ भी जानकारी वहां से नहीं मिलेगी। लवलेश मात्र, परिपूर्ण ग्रहण शक्ति वहां से नहीं मिलेगी, योग्यता नहीं है। जो लवलेश मात्र, उदाहरण हम बोल सकते हैं, बहुत लोग दूसरे विषय में तो प्रामाण्य है उनके ऊपर, यदि एक आदमी है अच्छा घर बनाने वाला है वो तो घर बनाने में बहुत बड़ा कुशल है, निपुण है निर्माण शास्त्र में, तो वैद्य जानते हैं वो शारीरिक और व्याधि विज्ञान में वो तो सक्षम है, और उनके बारे में और इनके बारे में का जो नैपुण्य है उस पर आधारित हमारा प्रश्न होना चाहिए, हमारा अनुभव अनुवर्तन भी होना चाहिए ना। जो हमारा वस्त्र का सूचक है उनके पास जाके हमारे शरीर की चिकित्सा के बारे में कुछ पूछेंगे तो वो कर सकते हैं क्या? दोनों भी एक ही तरफ का काम है, लेकिन वो अलग है ये अलग। इसलिए तो जो आप्त है कला विज्ञान आदि विषयों में जिसकी दक्षता है वो तो लवलेश मात्र ग्राह्य है, उसी विषय में उनका ग्रहण करना चाहिए ज्ञान। जो आप्त तर है अंश ग्रहण प्रायः उसका ग्रहण हम कर सकते हैं, और आप्ततम मैंने व्यास वाल्मीकि आदि ऋषि, व्यास ऋषि ने साक्षात नारायण का अंश है, और वाल्मीकि ने नारद प्रसाद से और ब्रह्मा का आशीर्वाद से परमात्मा साक्षात्कार और श्री रामायण महा इतिहास ऐतिह्य का साक्षात्कार उनको हुआ है, इसलिए वो तो परम प्रामाणिक है आप्ततम। इसलिए लेश ग्रहण अंश ग्रहण पूर्ण ग्रहण ही सकता, ये तो अपौरुषेय के बारे में बोल दिए और पौरुषेय के बारे में बोल दिए, और परम पुरुषे जो परम पुरुष का मुखारविंद से जिसकी व्युत्पत्ति है उसको हम परम पौरुषे प्रमाण होते हैं, वो तो परिपूर्ण है, शुद्ध है, निष्कलंक है, निराख्यात है, समस्त मंगलदायक है, निस्संशयास्पद है। किसका मोबाइल फोन बोलो? परम पौरुषे प्रमाण जिसको बोलते हैं, वेद से हमको जो मिल रहा है वो समुद्र का जल, अनाप्त से जो मिल रहा है वो विषमिश्र जल, विष विष के साथ जो जल है वो विषमिश्र पानी है, वो आप्त है वो तो वर्षा जल, वर्षा जल में बहुत दोष होगा आगमन में, जो आप्ततर है वो तो कुछ पवित्रीकृत जल वस्त्र शुद्धि में, आप्ततम जो है वो तो उष्णीकृत जल, और परमात्मा का जल, परमात्मा का जो प्रमाण है वो तो गंगा जल है, निष्कलंक जल है, भूमि से आविर्भावित जो जल है वो परिशुद्ध निर्मल स्फटिकात्मक जल तुल्य है। इसलिए परम पौरुषेय का प्रमाण अपौरुषेय प्रमाण से आप्त आप्ततर आप्ततम प्रमाणों से अति विश्वसनीय है, मंगलदायक है, ऐसा बहुत परम पौरुषेय प्रमाण का आधार है शास्त्र में। वेद का आविर्भाव साक्षात परमात्मा ने किया, वेदाश शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वं जनार्दनात्, ऐसा विष्णु सहस्रनाम एक श्लोक है ना, वेदाश शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वं जनार्दनात्, वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वं जनार्दनात्, इसका सब भगवान से ही व्युत्पन्न है, लेकिन उस पे कुछ तारतम्य भी हम देखना चाहिए। भगवान वेद का प्रकाशक है, भगवता विष्णुना प्रकाशिता श्रुति, भगवता विष्णुना कथितः पांचरात्रागमः, भगवता विष्णुना प्रेरिता धर्मशास्त्राणि, प्रेरिताः महर्षयः, महर्षि प्रणीतानि धर्मशास्त्राणि, भगवता विष्णुना प्रकाशिता श्रुति, भगवता विष्णुना प्रकाशिता, विष्णुना प्रोक्ता पंचरात्र आगमा, विष्णुना प्रेरिता महर्षय, महर्षीणां कृतयः धर्मशास्त्राणि।
विष्णुना प्रोक्ता, विष्णुना प्रकाशिता, विष्णुना वक्ता, विष्णुना गीता भगवता, विष्णुना गीता कृष्णेन भगवद्गीता इतभिधीयते। भगवान ने बहुत प्रमाणों, परम पुरुष के प्रमाण में इसमें भी बहुत प्रकार का तारतम्य है। विलक्षण प्रमाण, विलक्षण तर प्रमाण और विलक्षण तम प्रमाण। विलक्षण प्रमाण पांचरात्र शास्त्र तो भगवान ने बोल दिए, पांच ऋषियों को बैठा के बोल दिए। वो तो अधिकारी लोग हैं, यहाँ तो अर्जुन अनधिकारी है, वो तो बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है। वहां तो उद्देश्य है, यहाँ तो अनुद्देश्य है। फिर भी इसका स्थान श्रेष्ठ, इसका वैलक्षण्य तो बहुत अधिक है, उसके बारे में कुछ विचार करना पड़ेगा। वहां तो जो सुने हैं वो पांच लोग, पांच रात्र का श्रोता लोग, वो सब तो बहुत बड़े महर्षि। ये तो कलुषित भी अर्जुन यहाँ श्रोता है। और दूसरा विषय तो वहां सुनने के लिए इच्छा से वो उपस्थित है। श्रोतृणाम अपि इच्छा, वक्तृणाम इच्छा, वो तो इसलिए उद्देश्य बुद्धि से वहां आए हुए। यहाँ तो अर्जुन विषाद में जो खेल की व्युत्पत्ति है उसका निवारण शांति के लिए भगवान वो व्याजीकरण में, उनका निषाद निवृत्ति का व्याजीकरण में कुछ उपदेश आत्म देहात्म अतिरिक्त स्वरूप के भाव में कुछ कथन करके कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति आचार्य अभिमान के बारे में विस्तार उपन्यास किए। वहां तो वो लक्षित है, यहाँ तो अलिक्षित है। वहां तो उद्देश्य है, यहाँ तो अनुद्देश्य है। और वातावरण में भी देखना चाहिए। वहां तो वातावरण भगवान ने उपदेश दिया उनका दिव्य धाम पर, नैमिषारण्य में उनका दिव्य धाम में शास्त्र पुराण का प्रसंग हुआ। यहाँ तो बहुत बड़ा रक्त भरित घोर युद्ध भूमि में इसका हुआ है। इसलिए वो श्रोतृ का वैलक्षण्य नहीं है और श्रोतृ वक्तृ वो दोनों के ऊपर ही अभिरुचि नहीं है। और वातावरण में स्वरूपानुरूप नहीं है, अभिमत वातावरण नहीं है, अननुरूप अनभिमत वातावरण में अनभिरुचि ग्रहित एक श्रोतृ के साथ, अनधिकारी के साथ भगवान ने जो दिया है उसको बहुत बड़ा हम नाम दे दिए, बहुत बड़ा नाम हम रखे। फिर भी इसका श्रेष्ठ हम बोलना चाहिए। भगवता प्रोक्ता, भगवता प्रकाशिता, भगवता गीता, इति इसका वैलक्षण्य है। गीयते, भगवान ने क्या स्वर से उदात अनुदात दीर्घादि स्वर से इसका गान किए क्या? नहीं तो षड्ज ऋषभ मध्यम गांधारादि सप्त स्वर से इसका गान किए क्या? नहीं तो पक्वाद हारमोनियम इसके साथ गान किए क्या? गीत, गीत का अर्थ क्या है? भगवत गीता शब्द का अर्थ क्या है? हम तो ये बोलना चाहिए इसका वैलक्षण्य के बारे में। ये गीता में भी एक वैलक्षण्य है, ये सब अलग नाना प्रकार का गीताओं में ये भगवत गीता का, श्रीमद भगवत गीता महाभारतांतर गीता का एक वैलक्षण्य है। जानते हैं कि रुद्र गीता है, नारद गीता है, भिक्षु गीता है, उद्धव गीता है, अनु गीता है, अष्टावक्र गीता है, ऐसा 30 से अधिक गीता है, पुराणों से, शास्त्रों से और इतिहासों से। ये सब गीता का ये निखर में ये भगवत कथित गीता का, ये जो महाभारतांतर गीता का क्या वैलक्षण्य है, क्या वैशिष्ट है, वो देखना चाहिए। भगवान एक अवतार करने के में एक मुख्य समाचार हम बोलना चाहिए, राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये दोनों के बारे में कुछ बोलना चाहिए। अभ्युत्तान अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। तो अवतार का ज्ञान परमात्मा ने बोल रहे हैं, जन्म कर्म छवे दिव्यम्, जन्म और कर्म छवे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। तो फलश्रुति भी बोलते हैं भगवान का जन्म और कर्म के बारे में कुछ प्रसंग, भगवान उनका मुखारविंद से कुछ बताते हैं। उनका अवतार में संभवामी युगे युगे समाचार है, तद आत्मानं सुजाम्यहम्। कब हम आते हैं, किसके लिए आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कर जाते हैं, कहां तक आएंगे, कब तक आएंगे, ये सब का समाधान ये अवतार से ज्ञान में अंतर्गत है, भूत है। इधर यहां हम बोलना चाहते हैं संभवामी युगे युगे, एक युग में एक बार आएगी, इसका अर्थ नहीं है। संभवामी क्षणे क्षणे, प्रति क्षण तो आविर्भाव कर रहे हैं। क्यों भगवान ने युग का नाम दिया वहां? इस शास्त्र का समाधान है, भक्तों से विश्लिष्ट जो परमात्मा है, जो दोनों प्रेम भाव से जो बद्ध है,
वो विश्लेषण ये क्षण भी युग होगा, वो संश्लेष में ये युग भी क्षण होगा, ये सब जानते हैं। लौकिक व्यवहार में ये तो निरूपित भी है, इस पारमार्थिक व्यवहार में जो भक्त अवश्य भागवत प्रिय आश्रित कामधेनु भक्त पराधीन भक्त प्रेम परतंत्र परमात्मा, तो जो वास्तविक निज भक्तों से विश्लिष्ट होके प्रति क्षण भी युग मानने वाला ऐसा क्षणे क्षणे जाए वहां क्षणे क्षणे उसको उनका आविर्भाव होगा। ऐसा भगवान का आविर्भाव में संभवामी सम्यक भवामी एक परीक्षा लिखने के समय में है, यदि वो परीक्षा में सिद्धि नहीं मिलेगी फिर क्या करें हम, वो परीक्षा और खूब पढ़ के तरफ हम लिखते हैं। ऐसा परमात्मा रामावतार में अहम अभवम अतृप्त सम्यक अधुना भवामी इतः परमपि इतः सम्यक इदपेक्षया इतोपि सम्यक भविष्यामि इत्यर्थः। रामावतार में जो जो दिए हैं परीक्षा लिखने के समय याद आएगा, परीक्षा पूर्ति के बाद ही कुछ विषय आ जाएगा घर प्राप्ति होने के बाद, नहीं तो वो परीक्षा तो गए है ना, वो परीक्षा मंडप से बाहर निकलने के समय में प्रश्नों का समाधान हमारे दिल में प्रकाशन होगा तभी। इसलिए भगवान को बहुत बड़ा रामावतार में एक ताप था, जो ताप है वो तो पराशर भट्टार्य एक वैष्णव आचार्य, वो तो राम पक्षपाती है, वो तो राम के बारे में बहुत पक्षपाती है। एक शिष्य ने पूछा था, हे पराशर भट्टाचार्य बताइए, राम तो सर्वसुलभ सर्वसरल बोलते हैं लेकिन हमारा कृष्ण ने दूत का आचरण किए, दूत धर्म का आचरण किए, वो कुत्ता की सेवा जैसा है, एक समाचार दूसरे जगह में बोलना तो बहुत निकृष्ट काम है, वो हमारा कृष्ण ने किया, आपका राम किए नहीं, वो तो नहीं किए ना, इसलिए एक प्रश्न उठाया। पराशर भट्टार्य ने बोला, राम जाने के लिए तैयार था लेकिन रामावतार का त्रेधा युग में राम को इक्ष्वाकुवंश का राजा को बेचने वाले नहीं था इसलिए राम ने नहीं गया, वो था उनका दिल में था, जिसलिए वो कृष्णावतार में स्वीकृत यादव कुल है, वो तो यादव कुल का स्वीकार, इक्ष्वाकुल में जाने से परित्राण है साधुना विनाशा चतुर्थ कर सकते क्योंकि क्षत्रिय का अधिकार है, लेकिन स्वीकृत यादव कुल है गोपालत्व विजुगुप्सितम, इसलिए भगवान ने सोचा रामावतार में दूसरा कुछ अवतार करने के समय में एक विधेय का जाति में एक विधेय का जन्म में होना चाहिए, जिसलिए सबको बुला के हमको काम में हमको प्रवेशन करेंगे, हमको काम में भेजे, इसलिए उन्हें गोपाल स्वीकार किया। इसलिए पराशर भट्टार्य का समाधान वहां रामावतार में जो ताप था दूत वाक्य के लिए दूत कृति के लिए वो कृष्णावतार में इसका परिहार हुआ भगवान का। ऐसा बहुत प्रकार का ऐसा भगवत गीता का विषय में भी रामावतार में भगवान बहुत बड़े बड़े संतों का महात्मा का दर्शन किए, गुह वो सारण्य और सौलभ्य की मूर्ति है, जो शबरी वो आचार्य अभिमान में मूर्ति है, और विभीषण विभीषण तो राक्षस है, विभीषण तो एक राक्षस है, इसलिए भगवान ने सोचा विभीषण आने के समय में उनको बैठा के कुछ शरणागति का धर्म में धर्मशास्त्र के बारे में कुछ उपदेश करेंगे, इधर भगवान के ऊपर कुछ एक पिपासा थी इनके दिल में कुछ प्रकाशन करने के लिए धर्मार्थ उपदेश का प्रकाशन में एक पिपासा थी, इसलिए उन्हें क्या सोचा था विभीषण अभी आ रहा है वो तो राक्षस आत्मा है, वो राक्षस सेना से अभी सद्य है, इसलिए उनको कुछ धर्मशास्त्र के बारे में शरणागति के बारे में कुछ उपदेश देंगे। लेकिन विभीषण ये राम भूमि का स्पर्श जब हुआ, जो आकाश है उत्तर के राम भूमि राम का जो भूमि है जहां बैठे हुए वो भूमि का स्पर्श से उनको ज्ञान हुआ, ऐसा नारद स्पर्श से बोधन से प्रहलाद की ज्ञान व्युत्पत्ति हुई, ऐसा ध्रुव शंख का स्पर्श से हुआ ज्ञानोत्पादन, तथा ही ऐसा राम भूमि का स्पर्श वो विभीषण का ज्ञान हुआ, वो धर्मार्थ एक ही श्लोक में बता दिया, निवेदय माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, निवेदय माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम, इसमें तीन प्रकार का अर्थ का आविर्भाव है आविष्करण है, माम निवेदय विभीषण उपस्थितम इति अधिकार योग्य, अहम तो उपस्थित हूं, मैं तो यहां उपस्थित हूं, मैं एक आर्त प्रपन्न हूं, निवेदय माम क्षिप्रम, ये भागवत लोग भगवान का जो सेवक लोग है उनसे बोल रहे हैं हमारा निवेदन कीजिए, हमारा आगमन के बारे में रामचंद्र जी को सूचन कीजिए, इसलिए आचार्यों संतों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हमको मिल जाती है, इसलिए उन्हें संतों वहां जो संतों हैं रामाभिमानी गणों उनसे वो निवेदन कर रहा है परमात्मा को
निवेदन करने के लिए, उनका आगमन का सूचन के लिए वो बोल रहा है। इसलिए प्रपत्ति में निष्ठा होना, जो संत भागवतों से की प्राप्ति होना और भगवान को सर्वलोक का शरण्य मानना, ये सब शरणागति का धर्म है। एक ही श्लोक में वो राक्षस राम भूमि का स्पर्श से वो ज्ञानोत्पादन से वो तो बोल दिए। वो परमात्मा का काम नहीं कुछ भी बोलने के लिए, ओम इत्यंगकारी अंगीकार से दूसरा काम नहीं है उनको, इसलिए वो ताप था। ऐसा आप जानते हैं, ढेरू जानते हैं गाय, यदि गाय का स्तन में बहुत दूध तो बढ़ जाता है और पीने के लिए वत्स भी नहीं है, तब वो जाके क्या करेंगे, ये पानी में नहीं तो कुछ खंड में मार के वो दूध को निकाल दे, स्वयं निकाल दे, ये जानते हैं ना। इसलिए ये शास्त्र में ये बता दिए, ऐसा एक गाय जो दुग्ध से स्तन में भरित है, इसको पिलाने के लिए नहीं तो पीने के लिए तो वत्स नहीं है, वो कठिनाई बहुत असह्य है, जिसलिए वो पाषाण में नहीं तो कुछ खंड में स्वयं वो स्थान को मार के वो दूध को निकालती है। वैसे ही परमात्मा सब अवतार में बहुत शास्त्रों ज्ञान कर्म प्रपत्ति आचार्याभिमान भागवताभिमान सेवा मोक्षादि विषयों में बहुत बोलने के लिए पिपासित है, लेने वाले कोई भी नहीं थे योग्य पुरुष। इसलिए कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन विषाद का व्याज, वो व्याज से परमात्मा गाय जैसे दूध निकालती है कठिनाई में, वैसे भगवान ने निकाल दिए। अनधिकारी भी वो अर्जुन होगा, वो सब तो अमृत हुआ, वो कुरुक्षेत्र है। लज्जा युक्तस्य न भयम् न मानादिकं च, लज्जाहीनस्य लज्जायुक्तस्य लज्जायुक्तस्य, तो परमात्मा जो वो बाधा है जिनके बहुत बड़ा एक दिल में एक काठिन्य है, वो धर्मशास्त्र का प्रकटन परमात्मा जीवात्मा का स्वरूप का याथात्म्य वर्णन ये सब करने के लिए एक पिपासा थी, वो बोलने के लिए संदर्भ नहीं मिला। इसलिए कुरुक्षेत्र वो तो युद्ध क्षेत्र, वो भी भगवान बोलिए, और अर्जुन तो क्या अधिकारी, एक ऋषि भी नहीं है, एक क्षत्रिय, वो भी अभी वीर क्षत्रिय है, वीर क्षत्रिय नहीं है, अभी वीर क्षत्रिय है, और वो नहीं पूछा, वो तो उनका लक्ष्य तो दूसरा है, लक्ष्य दूसरा है, वो अधिकारी भी नहीं है और बोलने का स्थल भी नहीं है, ये तीन भगवान ने भूल गए। क्यों? इनका ताप, जो ताप प्रयुक्त है, जिसके ऊपर की प्रवृत्ति है और प्रवाह है, वो संदर्भ वातावरण अधिकारी अनधिकारी ऐसा एक विप्रतिपत्ति करने का मति नहीं होती। जिसके पास वो आतुर है, अत्यंत भक्ति युक्त से नैव शास्त्रम न चक्रमः, अत्यंत राग युक्त से नैव शास्त्रम न चक्रमः, एक भक्ति नहीं तो राग नहीं तो प्रेम नहीं तो ताप, ऐसा गुणों जब समृद्धि बहुत होगी उस समय में शास्त्र क्रम संदर्भ वातावरण इसके ऊपर ध्यान नहीं होगा, इसलिए भगवान ने वहां इसका आविर्भाव किए हैं। ये गीता का वैशिष्ट्य क्या, बहुत गीता हमने बताया, वो बहुत गीता में बहुत प्रकार का वर्णन है। ये गीता में क्या वैशिष्ट्य, दो प्रकार का वैशिष्ट्य है। पहला तो सब उद्धव गीता भिक्षु गीता में जो श्रोता है उनको ऊपर उनके ऊपर सिर्फ लक्ष्य कृत्य, उनका लक्ष्य में भगवान ने वो वचन दे दिए। गीता में उद्धव तुल्य उद्धव समान जो ज्ञान संत पुरुष, उनके बारे में भगवान का वर्णन भगवान का उपदेश वहां हुआ था। और भिक्षु गीता में नवयोगी संवाद में श्रुति गीता में सब उनका जो स्थान है योग्यता इसके अनुसार हुआ है। लेकिन यहां भगवद गीता में विभिन्नता, जो कर्म में रक्त है उनका कर्म योग, जो ज्ञान में आतुर है उनका ज्ञान योग, जो भक्ति भरित है उनका भक्ति योग, तो सब अशक्त है उनको प्रपत्ति योग। ना धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान स्वच्छरणारविंदे अकिंचनो अरण्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं मानते हैं आपसे, आपका शरणारविंद हमारा पुरुषार्थ है, आपका मुखोल्लास हमारा पुरुषार्थ है, आपकी नित्य निरवधिक निष्कलंक यावदायु सेवा हमारा परम पुरुषार्थ है। ये सब बोल के जो प्रपन्न है वो प्रपत्ति धर्म में जाता है, वो प्रपत्ति का भी वहां अधिकार है, आचार्य अभिमान का भी अधिकार है। तद विद्युत प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी मेरे एक सिद्धांत का निर्धारक, ज्ञानी मेरे सिद्धांत के बिना सामान्य धर्म का आयोजक, ऐसा वेदांत शास्त्र में शंकराचार्य मध्वाचार्य रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य निंबार्क शंकर देवाचार्य स्वामी नारायणाचार्य ये सब तत्वदर्शी है।
एकनाथ तुकाराम ज्ञानेश्वर ये सब तो ज्ञानी है, तत्वदर्श और ज्ञानी। हे अर्जुना हम पूरा नहीं बोले, हम पूरा नहीं बोल सकते, मेरी महिमा हमसे हमारे दिल में जो उपस्थित है, हमारे ध्यान भरित भाव भक्ति भरित जो संत लोग है वो बहुत प्रकार तुमको विस्तार रूप में कर सकते हैं, वो तो तेरा सजाती है, कृपा भरित है। भगवान तो दया सिंधु, भगवान के पास दया भी है, दंड धर्म भी है। भगवान संसार से आपको विमुक्ति भी देगी और भगवान आपको संसार में नित्य संसार प्रगति में भी वो कर सकता है। तान हम द्विशत क्रूरा संसारेषु नराधमान इति भगवत गीता है। भगवान ने येष एव साधु कर्म कारयति यम तमेभ्यो लोकेभ्यो निनीषति येष एव असाधु कर्म कारयति इति कौशल की श्रुति। जिसको भगवान ऊपर लेना चाहते हैं उसका प्रारण में सत्व गुण का उत्पादन करके उनको ऊपर ले जाता है, और राजसिक तामसिक बुद्धि में कोई आदमी को ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया, ऐसा संसार मंडल में प्रवर्तक भी भगवान है, मोक्ष प्रदायक संसार प्रवर्तक, ऐसा दो प्रकार का काम है भगवान को। इसलिए भगवान एक हाथ में विष है, एक हाथ में अमृत है, संसार प्रवर्तक और मोक्ष प्रदायक, दया सिंधु। लेकिन आचार्य लोग दयैक सिंधु, हे अर्जुना हम तो दया सिंधु है लेकिन हमारे ऊपर न्याय भी है, ये संसार अस्तित्व है, जगत व्यापार है, इसलिए हम दंड भी दे सकते हैं, बहुमान भी दे सकते हैं, इसलिए हम कुछ बताते हैं, बाकी सब विषयों ने तत्वदर्शी लोग ज्ञानी लोग बताएंगे, उनसे पूछो। प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया सेवया मनसा वाचा कर्मणा, अनुष्ठान में भाव में वाक्य में उनका शरणागत हो, फिर उन तत्व ज्ञानी से उन्होंने से तुमको ज्ञान प्राप्ति होगी, ऐसा आचार्य अभिमान होगी। इसलिए श्रुति गीता भिक्षु गीता रुद्र गीता यामण गीता ये सब जो बहुत नाना प्रकार की गीता है उसमें जो श्रोता है उसका भाव योग्यता के अनुसार वो गीता का प्रकाशन हुआ है। लेकिन ये भगवत गीता में ये दुनिया में सब जो आदमी है, इसलिए भगवान का जगत गुरु का नाम हुआ है। उद्धव गीता में है उद्धव से गुरु कृष्ण, उद्धव गुरु नहीं तो जगत गुरु, क्योंकि उद्धव का ही जैसे उद्धव का ही अधिकार है। इसलिए श्रुति गीता में भिक्षु गीता में अनुगीता में सब गीता शास्त्रों में केवल एक व्यक्ति का गुरु नहीं तो कुछ अंगुल में आदि लोगों का और गुरु होगा, लेकिन जगत गुरु का नाम भगवत गीता का आविर्भाव से ही कृष्ण को हुआ है, ऐसा गीता का एक प्रशंसनीय योग्यता है। और फिर तो विषय है, सब विषय में सार नहीं है, एक बीज होना चाहिए, बीज से अंकुर होना चाहिए, अंकुर से वृक्ष होना चाहिए, वृक्ष में तो शाखा होना चाहिए, फिर पत्र पुष्प फल होना चाहिए, फल नहीं तो फिर वो वृक्ष का प्रयोजन नहीं, अपुष्पित और अफलित वृक्षों में वैशिष्ट नहीं है। इसलिए सब गीता में सब विषय तो उनका जो आवरण रूप में आच्छादन रूप में प्रारंभिक रूप में बता दिए, चर्म श्लोक का निर्णय नहीं है। चर्म श्लोक चर्म अर्थ चर्म अवस्था चर्म तत्व का उत्पादन चर्म तत्व का प्रतिपादन गीता में नहीं है, में नहीं है। इसी गीता पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुचः। हे अर्जुना सांख्य लोग ऐसा कर रहे हैं, हे अर्जुना ये लोग ज्ञानी लोग ऐसा कर रहे हैं, भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बहुत प्रकार की दृष्टि से हमको बुद्धि भेदक हो सकते हैं। इसलिए वो सब तो ठीक है, आप चर्म रूप में सारभूत अर्थ क्या क्या बोलना चाहते हैं वो तो चर्मार्थ है, ऐसा बहुत नाना प्रकार का व्यतिरिक्त गीताओं में एक चर्म श्लोक ये सारार्थ नहीं है। लेकिन ये भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य जो कर्म ज्ञान भक्ति जो भी तुम कर रहे हो उसका उपाय नहीं मानना। एक आदमी तो भूख लग रहा है, वो आदमी तो एक आदमी के पास जाके कुछ धन मानता है नहीं तो कुछ अन्न मानता है खाने के लिए, और साधन तो अन्नदाता या तो आपका भूख। ऐसा धर्मशास्त्र में एक विचार है, आप एक बार सुनना चाहिए। एक आदमी क्षुद पीड़ित है, वो आदमी एक अनाथ है ना, एक प्रभु के पास चलता है, वो प्रभु उनको खिलाता है, वो क्षुद साधन उपाय नहीं तो वो अन्नदाता, वो अनाथ अन्नदादी के अनाथ जो अनाथ नहीं तो वो दाता प्रभु है। दो प्रकार भी हो सकता है, क्षुद से ही हम जाके पूछते हैं, लेकिन वो अन्नदायक वस्तु वो प्रभु की कृपा है, खुद से हमको अन्न प्राप्ति नहीं मिल सकता है, खुद से ही हम जाके पूछते हैं। वो अन्नदान और अन्नाद ये दोनों में
अन्नम अदति इति अनादः अन्नम ददाति इति अनादः अन्नदल अनाद ये दोनों में क्षुत से ही हम वहां जाते हैं और उनकी कृपा से वो अन्न वो अन्न अन्न वितरण करता है। इसलिए अन्न प्राप्ति का क्षुत नहीं तो वो दाता, ये दोनों में कौन है? हम पूछ रहे हैं आपको। एक आदमी भूख से अन्न मान के एक प्रभु के पास चल रहा है, वो प्रभु से उनकी कृपा से वो भोजन खिलाता है, वो अन्न प्राप्ति का साधन नहीं तो उपाय उनका जो शुद्ध भाव नहीं तो वो अन्नदाता का जो दया गुण है, अन्नदाता का दया गुण ही है, अन्नदाता का दया गुण से ही हमको अन्न प्राप्ति हो सकती है। और शुद्ध तो एक भाव है, एक प्रारंभिक भाव है, वो प्राप्ति का साधन नहीं है। इसलिए भगवान ने बोल रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, जो कर्म ज्ञान भक्ति ये सब कर रहे हो, कर्म से तुमको मुक्ति नहीं होगी, नहीं भक्ति से नहीं प्रपत्ति से नहीं, जो प्रपत्तव्य है जो कर्म में आराध्य है वो ज्ञान का जो प्रमेय है जो भक्ति का जो फलदायक है उनसे ही तुमको मुक्ति होता है, वो कर्म का अनुष्ठान से नहीं ज्ञान अनुष्ठान से नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म ज्ञान भक्ति सब छोड़ दो, इसका एक अर्थ नहीं, वो तो विपरीत अर्थ है। तुम तो कर्म करो कहीं के लिए भाव में करो, ज्ञान करो अहंकार ही ज्ञान का अभ्यास में आचार्य अनुग्रह पात्र भूतत्व मान के वो ज्ञान का संधान अनुसंधान करो, और भक्ति निरवधि की भक्ति करो, निष्कामी भक्ति करो और अशक्ति का भाव से प्रपत्ति करो, लेकिन तुमको रक्षण करने वाला उपाय भूत मैं ही हूं, ये सब तुम करते हो लेकिन उपाय तो मैं ही हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो जो तुम कर रहे हो वो सब में उपाय भूति को निकालना है, वो काम तो चैतन्य स्वयं प्रयोजन होते हैं, इसका शास्त्र में क्या बोलते हैं स्वयं प्रयोजन, अन्य प्रयोजन उद्देश्य से नहीं है स्वयं प्रयोजन। इसलिए कर्म कई करे भाव से, ज्ञान इच्छा से और भक्ति निष्काम्य भाव से और प्रपत्ति अशक्ति से, तुम ये भाव से सब धर्मान परित्यज्य, जो कुछ धर्म अभी हम बताए बहुत अध्याय में पूरा अध्याय में बता दिए, वो सबके ऊपर जो जो उपाय बुद्धि है काम्य बुद्धि है वो सब परित्यज्य, वो उठके माम एकम शरणम व्रज, ज्ञान का गोचर और कर्म का लक्ष्य, कर्म में जो बैठे हैं वो सब कर्मठ हो जाएंगे, ज्ञान में जो बैठे हैं वो तो तार्किक हो जाएंगे, तर्क को अप्रतिष्ठा, जो भक्ति भरित है वो भक्ति में कुछ मदिरा मिश्रित सलिल कुंभम ऐसा शास्त्र में बताया, इसलिए वो भक्ति में स्वार्थ भक्ति मिल जाएगी और प्रपत्ति में भी ऐसा स्वार्थ पुरुषार्थ भाव भी हो सकता है। इसलिए हमको परम देवता मानना है, हमको परम साधन मानना है, हमको परम पुरुषार्थ प्रयोजन मानना है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सब करने के समय में सब करो लेकिन मेरा आज्ञा परिपालन, तीन प्रकार का कर्मानुष्ठान है साधनानुष्ठान। क्यों कर्म ज्ञान भक्ति करना है? पहला कारण तो भगवद आज्ञा परिपालन, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञेति मम द्रोही मद्भक्तोपि न वैष्णवः। इसलिए शास्त्र में बताया कि धर्मशास्त्र वेद में जो दिया वो भगवद आज्ञा का परिपालन, इसलिए अर्जुना लोक संग्रह के लिए दूसरा आदमी को दिखाना चाहिए, जो पक्व आत्मलोक है, जो पक्व आत्मा है विशिष्ट आत्मा, ये सब साधनों छोड़ जाएंगे तो सब लोग उनको देखे वो भी छोड़ जाते हैं। यदि आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरे जना सयत प्रमाणम गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। सो अर्जुना ये सब धर्म का अनुष्ठान करने के समय में पहला विषय है भगवद आज्ञा परिपालन भाव में तुम करो, लोक संग्रह भाव में तुम उसके अतीत भी हो सकते हो लेकिन लोक संग्रह ये दूसरे सब जो व्यक्ति लोग हैं उनको दिखाने के लिए मार्गदर्शन के लिए करो, वो दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ है संग त्याग फल त्याग और कर्तृत्व त्याग, हम कर रहे हैं इसको छोड़ना, कर्तृत्व त्याग ये कार्य में है हमारी प्रवृत्ति है वो तो प्रवृत्ति अर्थ संग त्याग, ये फल हमारा ही है वो ममकार तो फल त्याग, इसको छोड़ना फल त्याग। इसलिए संघ कर्तृत्व फल त्याग के साथ तुम इसको करो, मान एकम शरणम जाय, मैं तो तेरी देवता, मैं तो तेरा साधन, मैं तो तेरा प्रयोजन,
हमारे बिना दूसरा देवता नहीं है, हमारे बिना दूसरा साधन नहीं है, दूसरा प्रयोजन भी नहीं है, ऐसा तुम करके मेरे पास आ जाओ। ये छठ श्लोक में भगवान पहला जो अध्याय श्लोकार्ध, वो श्लोकार्ध में चेतन कृत्य को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेतन कृत्य को दिखाते हैं। और दूसरा अपरार्ध में भगवान परम पुरुष कृत्य है, तो ईश्वर कृत्य को दिखाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो तो चेतन कृत्य भक्त कृत्य। और भगवत कृत्य है, तो ईश्वर कृत्य परमात्म कृत्य, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा सब जो कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति में उपाय बुद्धि को छोड़ के मुझे परम देवता परम साधन परम प्रयोजन जो मानते हैं, तुम यही मानते हो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सर्व पापेभ्यो आगामी संचित प्रारब्ध त्रिविध पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और उत्तरवाद भी दे रहा है, निर्धारण भी कर रहा है, मा शुचः। वो अनुवाद के शब्द से वो अर्थ का निर्धारण परम परम पुरुष सो वचसा है। इसलिए ये चरम श्लोक का प्रभाव इसी भगवद गीता पर है, इसलिए वो तो श्रेष्ठ है। और गीता में ने गीत का अर्थ सात प्रकार का अर्थ निर्णय है, जो स्वर संयुक्त उसको गीत बोलते हैं, और जो मधुर वचस उसको भी हम गीत बोलते हैं। मधुर जो मधुर वाणी है, मधुर वाणी मैंने आपका पुत्र संजा कहा धर्म प्राप्त इत्यादि मधुरवाणी है, आपको अभी एक बेटा मिल गया, नहीं तो आपको धन प्राप्ति हुई। इसलिए कुछ जो ऋषि में ये लोग कुछ प्रवण है, वो प्रवण के अनुसार कुछ बोलेंगे, तो उनका अभिरुचि के अनुसार उनको संतुष्टि संतुष्टि हो जाती है। मधुरवाणी अर्थ भरित वस्तु को भी हम गीता बोलते हैं, अर्थ भरित वस्तु माधुर्य भरित वाणी, और जो भक्ता का वैशिष्ट्य को भी हम मधुर बोलते हैं, जो मधुर आदमी अखिलम मधुरम मधुराधिपते इति श्रुतम, इधर जो वक्ता है वो वक्ता का माधुर्य से भी वो को हम मधुर बोल सकते हैं। मधुरवाणी फलदायक भी मधुरवाणी है, फलदायक जिससे हमको संतुष्टि मिल जाती है वो भी मधुरवाणी है, वो जो स्वर संयुक्त है वो भी मधुरवाणी है, जो मधुर व्यक्ति से वाणी वो भी मधुरवाणी है। हमको स्वच्छ तीक्ष्ण नित्य फलदायक जो शब्द है वो भी मधुरवाणी है। और भगवत गीता में सब कुछ है, भगवत गीता में भगवान का मुखारविंद से व्युत्पत्ति, इसलिए वो मधुरवाणी है। भगवान तो मधुर गुण का आकर है, अर्णव है, इसलिए वो भी मधुरवाणी गीता है। वो अर्थ में भी चतुर पुरुषार्थ का दायक है, इसलिए वो गीता है। वो सुस्वर संपन्न है, क्योंकि जो विशाल में बैठा है, जो विशाल में बैठा है उनको ज्ञानोत्पादन के लिए, धैर्योत्पादन के लिए, कर्म में प्रवेशन करने के लिए भगवान ने जो ज्ञान दिया है, वो फल से, वो पौरुष से, वो पौंस्य से उसकी मधुरता है, इसलिए वो मधुरवाणी है। इसलिए वक्ता का वैलक्षण्य से, अर्थ से, भाव से, अधिकार से, प्रेम से, फल से, उपाय से, सबसे गीता गीता तो मधुरवाणी ही है। वो गीता को हम क्या करना, सुगीता कर्तव्य, वो गीता को हम क्या करना, सुगीता करना। कैसे सुगीता कर सकते हैं? वो तो प्राय मीठा ही है, उसको सुगीता कैसे कर सकते हैं? अनुष्ठान में जो कृष्ण हमारा उद्धार के लिए संसार निमग्न हम जैसा चेतना का उद्धार के लिए जो कृपा भरित परम पुरुष सद्गुणों का आकार जोड़े हमको दिए हैं, उसका अनुष्ठान से उनको मुखालास और मुकुलास और हृदय विकास हम करके दिखाना है, देखना है, तो आनंद का अनुभव करना है। इसलिए शास्त्र में बताते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य, ये गीता को हम सुगीता करना है। जो भाव में, रस में, अर्थ में, वक्तृ वैलक्षण्य में जो मधुर है, इसको और कुछ मिठाई को और कुछ मिठाई बनाना, मिठाई से फिर कुछ माधुर्य इसमें डालना। कैसे? हम सबको एक ये माधुर्य की अनुभूति है, लेकिन परमात्मा को हम ये माधुर्य को खिलाना है। परमात्मा का मुखोल्लास और हृदयारविंद का विकास और माधुर्य की अनुभूति कब होगी? उसका अनुष्ठान में, वो अर्थ का परिपालन में, वो अर्थ का प्रचार से ही उनको मिलेगी। इसलिए जो गीता मंडल में है, नहीं तो ये भूमंडल में है, जो गीता मंडल भूमंडल ही है ना, पूरा भूमंडल तो मंडल ही है। इसलिए गीता मंडल में जो उपस्थित है सब चेतनों का ये लक्ष्य है, ये तो नित्यानुष्ठान होना भी चाहिए। गीता का पाठ
गीता का प्रचार और गीता का परिपालन अनुष्ठान में, गीता का पाठ, गीता का पारायण और गीता का प्रचार। पाठ मैंने पढ़ना, पारायण मीन्स अयन मीन्स दैट इंक्लूड्स गति, गत्यर्थे अयन शब्द, सो अयन मीन्स गति। सो गीता का पाठ करना है, अर्थों का रक्षण और प्रचार में अर्थ का वितरण भी करना चाहिए, और अनुष्ठान में पारायण में हम गीता का धर्म का हम अवगमन करना चाहिए। अनुष्ठान में गीता में जो बता दिए परम पुरुषार्थ, कृष्ण का धाम प्राप्ति, वो धाम प्राप्ति हमको लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान गीताचार्य ज्ञानाचार्य जगत गुरु का अनुग्रह सबके ऊपर होगी, उनकी दया, इसलिए सबको यहाँ आशीर्वाद। गीताचार्य परम पुरुष का शरण द्वंद में हमारा निरवधिक भक्ति का समर्पण करके अभी हम विराम लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।